एक बात बताइए, आपने वो गाना सुना है? कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवारा लगता है। अच्छा गाना है ना? तो फिर आज इस वीडियो में हम जिसकी बात करने वाले हैं, उसके बारे में भी आप कुछ ऐसा ही गाना गुनगुना सकते हैं, जैसे कि कभी तू साइक्लोन लगता है, कभी हरिकेन लगता है, कभी तू टाइफून लगता है, कभी टॉर्नेडो लगता है। इंटरेस्टिंग ना? लेकिन इनमें से कौन किसकी तरह लगता है और कौन किससे अलग है, ये तो आज के इस इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो से जुड़ कर के ही आपको पता लग सकता है। तो चलिए अब गाने का मजा लेने के बाद ये पता लगाते हैं कि ये बहुरूपिया कौन है। ये साइक्लोन क्या चीज है, क्यों ये आता है, कैसे आता है और ये चाहता क्या है? कौन है जो साइक्लोन के बारे में प्रिडिक्ट करता है और इसे गुलाब, वायु और भोला जैसे नाम देने के पीछे कारण क्या है? इनके अलावा भी साइक्लोन से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां और बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आज मिलने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और आइए साथ में आगे बढ़ते हैं इस साइक्लोन की कहानी को जानने के लिए। साइक्लोन यानी चक्रवात, ऐसा समुद्री तूफान है जो एटमॉस्फेयर में इंस्टेबिलिटी होने से पैदा होता है। ये गोल गोल घूमने वाला तूफान इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान की तरह घूमता जरूर है, लेकिन इसके इरादे सुपर हीरो जैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये तूफान समुद्र से उठने के बाद जब समुद्री किनारों से टकराता है, तब भयंकर बारिश और खतरनाक हवाओं के जरिए बहुत दूर तक तबाही मचाता चला जाता है। रास्ते में चाहे मकान आए, मजबूती से जड़े जमाए हुए पेड़ आए या फिर आदमी ही क्यों ना आए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी स्पीड तेज होने के साथ साथ ये गांव, शहर, जंगल सब बर्बाद कर सकता है। इसका रूप विकराल होता जाए तो ये बाढ़ के हालात भी पैदा कर देता है, जिससे सब डूबता चला जाता है, यानी आम जनजीवन को बहुत तगड़ा झटका लगता है और नुकसान भी बहुत बड़ा ही होता है। इसके बाद लाइफ को फिर से पटरी पर लेकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये साइक्लोन अर्थ पर आने वाले सबसे खतरनाक तूफानों में शामिल है जो बहुत ही विशाल है। ये अपने साथ बारिश, हवा और तूफानी लहरों को मिला लेता है, जिससे तबाही का मंजर और भी डरावना बन जाता है। ये सर्कुलर, इलेप्टिकल और वी शेप में दिखाई दे सकता है, जो ऊपर से बादलों की एक डिस्क की तरह नजर आता है। इस डिस्क की मोटाई 10 से 15 किलोमीटर हो सकती है और इसका डायमीटर 100 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक हो सकता है। 2000 किलोमीटर सुनकर कानों पर यकीन नहीं हुआ ना, लेकिन आपने बिल्कुल सही सुना है। बस इतना ही नहीं, ये लगभग 300 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है और ये सागर की लहरों को उनकी नॉर्मल हाइट से 20 फीट की ऊंचाई तक उठा भी सकता है। तभी तो इसके किनारे बसे गांव, शहरों में बाढ़ आ जाती है। ये तो वाकई में एक डरावनी तस्वीर है साइक्लोन की, और ये तो बड़ा भी बहुत है। तो क्या ये हर कहीं आ जाता है या किसी पर्टिकुलर प्लेस पर इसके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं? अच्छा सवाल है। तो देखिए, साइक्लोन दुनिया में कहीं भी आ सकता है, शायद इसे हर जगह देखना पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा साइक्लोन तो पैसिफिक ओशन में ही बनते हैं, उसके बाद इंडियन ओशन और फिर अटलांटिक ओशन इसके निशाने पर रहते हैं। और क्योंकि साइक्लोन समुद्र से उठता है, इसलिए कोस्टल एरियाज इसके सबसे बड़े शिकार बनते हैं। वैसे कि आप जानते हैं कि इस तूफान को साइक्लोन क्यों कहा जाता है? इसका रीजन भी ना बड़ा जबरदस्त है। इसे साइक्लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो तूफान आते हैं, वो ऐसे नजर आते हैं जैसे समुद्र के कुंडली मारे हुए सांप हो, और इसी के बेस पर हेनरी पैडिंगटन ने इन्हें साइक्लोन नाम दिया था। इस वर्ड का मतलब ही रिवॉल्विंग होता है, और ये वर्ड साइक्लोन असल में एक लार्ज स्टॉर्म सिस्टम के लिए एक जनरल टर्म है। और अगर मिटीरियोलॉजी के हिसाब से देखे तो साइक्लोन का मतलब होता है ऐसा लो प्रेशर एरिया जिसमें हवाएं अंदर की तरफ घूमती है। इन हवाओं को और इस लो प्रेशर एरिया को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये तबाही का दूसरा नाम बनते हैं। फिर चाहे अभी तक दुनिया के सबसे खतरनाक तूफानों में शामिल बांग्लादेश का भोला साइक्लोन हो, या वियतनाम में आया हाइफंग टाइफून हो, या फिर टाइफून मैगी या हरिकेन डोरियन ही क्यों ना हो, ये सब साइक्लोन्स ही हैं जो कि अलग अलग समय पर दस्तक देते आए हैं और अपनी ताकत से सब कुछ हिला कर गए हैं। अब आपका कंफ्यूजन होना बनता है कि साइक्लोन के बीच में ये टाइफून और हरिकेन क्या कर रहे हैं, और वीडियो की शुरुआत में भी इनका कुछ जिक्र हुआ तो था, लेकिन बात कुछ समझ नहीं आई। तो बात आपको अब समझ में आएगी जब हम इसके बारे में खुलकर बात करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि साइक्लोन को लोकेशन के बेस पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, यानी कि साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून, ये एक ही तूफान के अलग अलग नाम है जो डिफरेंट लोकेशंस के बेस पर दिए गए हैं।
यानी जिसे नॉर्थन इंडियन ओशन में यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में साइक्लोन कहा जाता है, जैसे कि इंडिया में उसे सदर्न इंडियन ओशन और साउथ पैसिफिक में ट्रॉपिकल साइक्लोन या सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में ये हरिकेन कहलाता है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में यानी कि फिलीपींस, जापान और चीन में इसे क्या कहा जाएगा? वहां पर इसे टाइफून कहा जाएगा। साइक्लोन नवंबर से अप्रैल के बीच में दस्तक देता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन आने का टाइम नॉर्थन हेमिस्फीयर में जून से सितंबर तक रहता है और सदर्न हेमिस्फीयर में जनवरी से मार्च तक रहता है। हरिकेन जून से नवंबर के महीनों में आते हैं और टाइफून आने का सीजन मई से नवंबर तक होता है। अगर इन्हें विंड स्पीड के हिसाब से हम समझे तो जब तूफान विंड स्पीड 74 माइल्स पर आर यानी कि 119 किलोमीटर पर आर से घूमने लगे तो इसे लोकेशन के हिसाब से ट्रॉपिकल साइक्लोन, हरिकेन या टाइफून कहा जाएगा। वैसे इस स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं ना आप, ये फास्टेस्ट लैंड एनिमल चीता की मैक्सिमम स्पीड से बराबरी करता है और बहुत बार उससे आगे भी निकल जाता है। ओह, मतलब ये बहुत ज्यादा फास्ट है। चलिए, ये तो क्लियर हुआ कि एक ही साइक्लोन के अलग अलग नाम है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून। थोड़ा कंफ्यूजन तो दूर हुआ, फीलिंग बेटर ना। लेकिन ये अब आगे विली विली क्या है? विली विली बोले तो नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में आने वाला ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो कि साल के सबसे हॉटेस्ट पीरियड में आता है और अपने साथ बारिश लाता है। ये टिमोर सी से पैदा होता है और फिर समुद्री किनारे से टकराता है। हालांकि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जितना बड़ा और डिस्ट्रक्टिव हो ये जरूरी नहीं। तो ये तो हुई विली विली की बात। वैसे नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये भी तो पता चले कि टोर्नेडो क्या है, वो साइक्लोन से कैसे सिमिलर या डिफरेंट है। तो देखिए, साइक्लोन और टोर्नेडो देखने में कुछ कुछ एक जैसे ही लगते हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो ही जाता है। साइक्लोन वी शेप के घूमते हुए बादलों की डिस्क लगता है, तो टोर्नेडो यानी बवंडर एलिफेंट ट्रंक जैसा या फनल की शेप जैसा दिखाई देता है। साइक्लोन लो प्रेशर सिस्टम की वजह से बनता है, जबकि ज्यादातर टोर्नेडो थंडर स्टॉर्म से बनते हैं। साइक्लोन का डायमीटर हजारों किलोमीटर तक हो सकता है, जबकि टोर्नेडो कंपैरेटिवली काफी छोटे होते हैं। साइक्लोन समुद्र के गर्म पानी के ऊपर बनता है, जबकि टोर्नेडो जमीन पर बनता है। हाँ, लेकिन ये अपनी स्पीड और इंटेंसिटी के दम पर नदी और झीलों को भी पार कर सकता है। और हाँ, टोर्नेडो पानी में भी आ सकता है, जिसे वाटर स्पाउट्स कहा जाता है। और इस तरह साइक्लोन और टोर्नेडो में कई सारे डिफरेंसेस होते हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन सुनामी का क्या? क्या वो भी साइक्लोन से रिलेट करती है? आइए पता लगाते हैं। साइक्लोन एक लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एरिया की वजह से बनता है, लेकिन जब पानी की सरफेस पर अर्थक्वेक से लहरें उठती हैं तो उन्हें सुनामी कहते हैं। सुनामी साइक्लोन से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, क्योंकि इन्हें प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो पानी से आने वाले इन दोनों तूफानों का इरादा भले ही सेम हो, यानी डिस्ट्रक्शन करना हो, लेकिन इनके बनने के तरीके अलग अलग हैं, इसलिए तो ये डिफरेंट है। चलिए अभी एक लास्ट कंपैरिजन, साइक्लोन वर्सेस थंडरस्टॉर्म यानी भयंकर आंधी तूफान। तो जैसे साइक्लोन ओशन से गर्मी लेता है, वैसे ही थंडरस्टॉर्म भी मॉइस्चर तो ओशन से ही लेता है, और इसमें हाई स्पीड विंड्स के साथ हैवी रेनफॉल, थंडर और लाइटनिंग भी होती है। लेकिन ये हमेशा साइक्लोन की तरह स्पिन नहीं करता, और ना ही इसमें लो एटमॉस्फेरिक सेंटर के चारों तरफ विंड सर्कुलर मोशन में घूमती है। इसमें बारिश और हवा का कोई पर्टिकुलर मोशन पैटर्न भी नहीं होता, और ये साइक्लोन से छोटे भी होते हैं। लेकिन कई बार साइक्लोन थंडरस्टॉर्म के रूप में शुरू होकर बाद में विशाल और ज्यादा घातक साइक्लोन भी बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद साइक्लोन और थंडरस्टॉर्म एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो ये हुआ डिफरेंस का पिटारा पूरा। आई होप आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ गई होगी, और अब आप ये जानने को बेताब होंगे कि साइक्लोन कैसे बनता है। तो आपके सवाल का जवाब भी दे ही देते हैं। आपने अभी तक ये तो जान ही लिया है कि साइक्लोन लो प्रेशर की वजह से बनता है, तो इस लो प्रेशर सिस्टम को समझना होगा, क्योंकि साइक्लोन बनाने में इसी का ही तो हाथ है। तो आइए इस लो प्रेशर सिस्टम को ऐसे समझते हैं। हमारे प्लैनेट अर्थ पर प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसीलिए कहीं पर लो प्रेशर है तो कहीं हाई, और गैसों की ये टेंडेंसी होती है कि वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती हैं, ताकि इस प्रेशर डिफरेंस को बैलेंस किया जा सके। लेकिन ये लो और हाई प्रेशर एरियाज बनते कैसे हैं? तो अर्थ का हर एक पार्ट यानी अर्थ सरफेस का हर हिस्सा सन से बराबर हीट नहीं लेता। किसी हिस्से को ज्यादा हीट मिलती है और किसी को कम। जिस हिस्से को ज्यादा हीट मिलती है वहां की हवा गर्म हो जाती है, और गर्म हवा हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है।
ऐसा होने से उस एरिया में हवा की कमी हो जाती है, जिससे लो प्रेशर बन जाता है और इसे लो प्रेशर सिस्टम कहा जाता है। ये लो प्रेशर सिस्टम्स ही अनस्टेबल वेदर प्रोड्यूस करते हैं और साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून जैसे तूफान यही लाता है। यानी लो प्रेशर सिस्टम बहुत ही बुरा मौसम लाता है और अर्थ के जिन हिस्सों तक कम हीट पहुंचती है वहां की हवा इतनी गर्म नहीं होती और हल्की नहीं हो पाती, बल्कि भारी रहती है, इसीलिए ऊपर नहीं उठती। तो वो अपने आसपास के एरिया के कंपैरिजन में हाई प्रेशर एरिया बन जाते हैं और उन्हें हाई प्रेशर सिस्टम कहा जाता है। ऐसे सिस्टम में वेदर अच्छा रहता है। लो प्रेशर सिस्टम की हवाएं इक्वेटर के नॉर्थ में यानी नॉर्थन हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चलती है और इक्वेटर के साउथ में यानी सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलती है। पता है इसे क्या कहते हैं? इसे साइक्लोनिक फ्लो कहते हैं और इस प्रेशर सिस्टम को साइक्लोन कहते हैं। और हाई प्रेशर सिस्टम में तो सेंटर में हायर प्रेशर होता है अपने आसपास के एरियाज के कंपैरिजन में, इसलिए हवा सेंटर से बाहर की तरफ फ्लो करती है। यानी ये लो प्रेशर सिस्टम का अपोजिट है, इसलिए एक हाई प्रेशर सिस्टम की हवाएं इक्वेटर के नॉर्थ में क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं और इक्वेटर के साउथ में एंटी क्लॉकवाइज। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एंटी साइक्लोनिक फ्लो। तो इस प्रेशर सिस्टम का नाम क्या होगा? एंटी साइक्लोन प्रेशर सिस्टम। वेरी गुड। तो चलिए, ये तो बात हुई लो प्रेशर और हाई प्रेशर की, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की। अब आगे साइक्लोन फॉर्मेशन को क्लियरली समझते हैं। साइक्लोन्स इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के आसपास मौजूद एरियाज में ज्यादा बनते हैं, क्योंकि ऐसे एरियाज में यानी ट्रॉपिकल एरियाज में टेम्परेचर ज्यादा रहने की वजह से लो प्रेशर एरियाज बार बार बनते रहते हैं। यहाँ इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है और इक्वेटर के नजदीक ट्रॉपिकल एरियाज में साइक्लोन ज्यादा बनने का रीजन है साइक्लोन बनने का मेन इंग्रेडिएंट का यहाँ पर मिलना, यानी समुद्र का गर्म पानी। तो ऐसे में इन एरियाज में जब ओशन सरफेस के ऊपर की हवा गर्म हो जाती है तो हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। इससे जो लो प्रेशर एरिया बनता है उसे बैलेंस करने के लिए आसपास के हाई प्रेशर एरिया से ठंडी हवा इस स्पेस को भरने के लिए भागी चली आती है। लेकिन थोड़ी देर में ये ठंडी हवा भी गर्म समुद्र के ऊपर रहने से गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है, और फिर वहीं आसपास की ठंडी हवा उस स्पेस को भरने आती रहती है और ये प्रोसेस चलता ही रहता है। और जैसे ही गर्म नमी वाली हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है तो इस हवा में मौजूद पानी बादल बना लेते हैं और फिर ये बादल और हवा घूमने लगती है और ये सर्कल बड़ा होता जाता है, क्योंकि इसे समुद्र से गर्मी मिलती रहती है और समुद्र की सतह से इवोपरेट होने वाला पानी भी तो मिलता है। इससे तूफान तेजी से और तेजी से रोटेट होने लगता है और साइक्लोन का रूप लेने लगता है, जिसके सेंटर में एक आई जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो इसका लो प्रेशर पॉइंट होता है। इसी लो प्रेशर पॉइंट के चारों तरफ हवाएं गोल गोल घूमती रहती है लेकिन इसके अंदर नहीं जा पाती। इस आई के चारों तरफ आई वॉल होती है जहां सबसे खतरनाक वेदर और स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है। ये आई वॉल ही साइक्लोन का मोस्ट डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव पार्ट होती है। साइक्लोन आई में विंड स्पीड तेजी से कम होती है और लैंड पर इस आई में मौसम साफ दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये साइक्लोन का सबसे शांत हिस्सा नजर आती है। लेकिन ओशन पर ये सबसे डेंजरस बन जाती है क्योंकि वहाँ इसके अंदर वेव्स हर डायरेक्शन से आकर एक दूसरे से टकराती हैं और मॉन्स्टर वेव्स बनाती हैं जो 130 फीट तक लंबी होती है। यानी ये आई शांत नजर आती है पर पूरी तरह शांत होती नहीं है, और इसे शांत समझने की भूल करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये है तो साइक्लोन का हिस्सा ही, बल्कि इसे तो साइक्लोन का सरगना भी कहा जा सकता है। लेकिन ऐसे एरियाज में जहां साइक्लोन बहुत ही कम आया करते हैं, लोग इसे शांत समझने की गलती करते ही हैं। कैसे? तो वो ऐसे कि जब साइक्लोन का आई पार्ट जमीन से गुजरता है तो लोगों को अपने शेल्टर या घर के बाहर का मौसम साफ दिखाई देता है और वो ये समझ लेते हैं कि साइक्लोन जा चुका है। ऐसे में वो घर से बाहर निकल जाते हैं और उस शांत आई के आसपास मौजूद मोस्ट डेंजरस पार्ट यानी कि आई वॉल की चपेट में आ जाते हैं। आप खुद ही सोच लीजिए इसका मतलब, और आपके साथ ऐसा ना हो इसके लिए ध्यान रखिए कि आपके घर की खिड़की से देखने पर अगर साइक्लोन के दौरान अचानक शोर आना बंद हो जाए या बाहर एक ब्यूटीफुल सनी डे नजर आ रहा हो तो भी अपना सेफ प्लेस बिल्कुल ही ना छोड़े जब तक कि आपको ये ऑफिशियल जानकारी ना मिल जाए कि साइक्लोन जा चुका है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ये साइक्लोन 3 से 7 दिन तक चलते हैं और अगर इन्हें फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता रहे यानी ओशन से हीट, एनर्जी और मॉइस्चर, तो ये और भी ज्यादा लंबे समय तक बने रह सकते हैं।
लेकिन जब ये स्टॉर्म ठंडे पानी के ऊपर से गुजरता है या फिर जमीन के एक बड़े हिस्से से टकराता है तो इनकी एनर्जी कम होने लगती है, क्योंकि इन्हें पावर देने वाला ओशन पीछे छूट जाता है और ये घूमते घूमते जमीन पर आ जाता है तो कमजोर होकर के खत्म हो जाता है। लेकिन खत्म होने से पहले ये बहुत कुछ खत्म भी कर देता है। सच में इसकी विंड स्पीड और इंटेंसिटी के बेस पर इससे होने वाला डैमेज भी कम या ज्यादा हुआ करता है। इस तूफान की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए यूं तो अलग अलग स्केल्स यूज की जाती हैं, लेकिन सफिया सिम्पसन स्केल सबसे पॉपुलर स्केल है जो हरिकेन की स्ट्रेंथ मेजर करती है और इसकी विंड स्पीड के बेस पर होने वाला प्रॉपर्टी डैमेज मेजर करती है। ये स्केल 1 से 5 कैटेगरी को शो करती है, जिसमें कैटेगरी 1 में विंड स्पीड 119 से 153 किलोमीटर पर आर होती है और ये स्पीड थोड़ा डैमेज करती है, जबकि कैटेगरी बढ़ने के साथ विंड स्पीड और उससे होने वाला डैमेज बढ़ता जाता है और कैटेगरी 5 आते आते विंड स्पीड 252 किलोमीटर पर आर तक पहुंच जाती है और इससे बहुत बड़े स्तर पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जब इस स्केल की कैटेगरी 1 से कम विंड स्पीड का तूफान आता है, यानी 63 से 118 किलोमीटर पर आर का, तो उसे ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहा जाता है और 63 किलोमीटर पर आर से कम विंड स्पीड वाले तूफान को ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहते हैं। ये दोनों ही साइक्लोन के ऐसे रूप होते हैं जिनमें विंड स्पीड काफी कम होती है। ये मेजरमेंट तो समझ में आ गया, लेकिन जो एक सवाल दिमाग में अक्सर घूमता है वो ये है कि साइक्लोन घूमते क्यों है और इन तूफानों में हवा का रोटेशन क्या रहेगा, क्या ये भी पहले से तय होता है? हाँ बिल्कुल, हमने थोड़ी देर पहले जाना था कि ये साइक्लोन नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, यानी इनका डायरेक्शन तो पहले से डिसाइडेड होता ही है और ये रोटेट करते हैं, ये भी फिक्स है। इनकी एक पर्टिकुलर शेप भी होती है जिसमें ये रोटेट करते हैं और साइक्लोन का ये शेप और विंड रोटेशन डिसाइड करता है कोरियोलिस इफेक्ट। अब ये क्या होता है? तो बात ऐसी है कि अर्थ अपने एक्सिस पर जो रोटेशन करती है जो विंड के डायरेक्शन को भी अफेक्ट करता है और इसे ही कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। और इसी इफेक्ट की वजह से नॉर्थन हेमिस्फीयर में हर मूविंग ऑब्जेक्ट का झुकाव राइट साइड में हो जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड, जिससे एयर करंट्स भी नॉर्थन हेमिस्फीयर में राइट की तरफ बेंड हो जाती है, जिससे साइक्लोन का रोटेशन वहां पर एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में एयर करंट्स लेफ्ट में बेंड हो जाती है, जिससे वहां साइक्लोन का रोटेशन क्लॉकवाइज रहता है। तो ये इफेक्ट कितना पावरफुल है जिसने साइक्लोन को ही इंस्ट्रक्शंस दे डाले, शॉकिंग है ना? चलो नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में तो साइक्लोन की रोटेशन पता चल गई है, लेकिन ये इक्वेटर का क्या? क्या वहां पर साइक्लोन नहीं आते? हाँ बिल्कुल सही पहचाना, जनरली इक्वेटर पर साइक्लोन नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ कोरियोलिस इफेक्ट ना के बराबर होता है, इसलिए वहां पर साइक्लोन नहीं बनता, क्योंकि कोरियोलिस इफेक्ट साइक्लोन का रोटेशन डिसाइड करने के अलावा ओशन करंट्स के डायरेक्शन को भी अफेक्ट करता है और इक्वेटर पर कोरियोलिस इफेक्ट या फोर्स काफी कमजोर होता है, जिसमें इतनी पावर नहीं होती है कि एक लो प्रेशर के इर्द गिर्द हवा को रोटेट कर सके, और अगर हवा को रोटेट करने की पावर नहीं तो तूफान भी नहीं, इसलिए इक्वेटर पर नो साइक्लोन। ये फोर्स 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के बीच नेग्लिजिबल होता है, लेकिन जैसे जैसे लैटिट्यूड यानी अंशांश बढ़ते जाते हैं और अर्थ रोटेशन की स्पीड डिक्रीज होती है, वैसे वैसे कोरियोलिस इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग साइक्लोन बनने की सिचुएशंस बनने लगती है, पोल्स पर ये फोर्स मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर एब्सेंट होता है। लगभग 65% साइक्लोनिक एक्टिविटी 10 से 20 डिग्री लैटिट्यूड के बीच होती है, जिसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं। इसका एक रीजन इन पॉइंट्स पर सी टेम्परेचर का मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस होना भी है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए एक फेवरेबल कंडीशन होती है। वैसे और कौन कौन सी कंडीशंस मिलकर के एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बनाती है? तो ये साइक्लोन तभी बनता है जब टेम्परेचर कंडीशंस फेवरेबल हो, एटमॉस्फेयर इंस्टेबल हो और इक्वेटर से सफिशिएंट डिस्टेंस हो ताकि स्पिन करना पॉसिबल हो सके। अच्छा, तो ऐसा होता है। लेकिन क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन के अलावा और भी तरह के साइक्लोन होते हैं? जी हाँ बिल्कुल होते हैं। साइक्लोन को यूं तो कई तरह से कैटेगराइज किया गया है, लेकिन साइक्लोन के 4 मेजर टाइप्स होते हैं। पहला है ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा है पोलर साइक्लोन, तीसरा है मीसो साइक्लोन और चौथा है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। जिनमें से पहला तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है, जिसके बारे में हमने काफी कुछ जान लिया है, फिर भी इसके बारे में अभी और भी काफी कुछ बाकी है, आइए वो भी जान लेते हैं। मकर और कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच के रीजंस में जो साइक्लोन डेवलप होता है उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं।
ये तो आप जानती हैं कि ये साइक्लोन केवल इक्वेटर के नजदीक मौजूद गर्म समुद्री पानी के ऊपर ही बनते हैं। ऐसे साइक्लोन सी लेवल को नॉर्मल लेवल से 6 मीटर तक ऊंचा उठा सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन में विंड 240 किलोमीटर पर आर की स्पीड पकड़ सकती है और गस्त 320 किलोमीटर पर आर के पार जा सकते हैं। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई विंड्स और हेवी रेन इस साइक्लोन की पहचान होती है। ये साइक्लोन्स ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं। आई थिंक ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में जानने के बाद अब हमें भी नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करना चाहिए, जो है पोलर साइक्लोन, जिसे आर्कटिक हरिकेन भी कहा जाता है। ये आर्कटिक और अंटार्कटिक सीज के ऊपर बनते हैं, यानी ग्रीनलैंड, साइबेरिया और अंटार्कटिका के पोलर रीजन में ये साइक्लोन आते हैं। पोलर साइक्लोन तब बनता है जब हल्के गर्म पानी के ऊपर बहुत ज्यादा ठंडी हवा मूव करती है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन साइक्लोन नहीं है क्योंकि ये बहुत ही कम आया करते हैं, इसलिए इनसे होने वाला डैमेज भी कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन ये साइक्लोन इतने जल्दी बन जाते हैं कि इन्हें प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये तो बड़ी ही प्रॉब्लम की बात है कि बिना प्रिडिक्शन अचानक आने वाले तूफान तो ज्यादा रिस्की लगते हैं। जी हाँ, खैर चलिए, साइक्लोन के अगले टाइप से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो भी जान लेते हैं। और साइक्लोन का थर्ड टाइप होता है मेसो साइक्लोन। ये साइक्लोन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म से बनता है, जिसे सुपर सेल थंडरस्टॉर्म कहा जाता है। ये थंडरस्टॉर्म एक्सट्रीमली हाई स्पीड विंड्स को एक फनल शेप में ऊपर उठाता है और ये तो ट्रॉपिकल साइक्लोन से भी ज्यादा ऊंचा पहुंच जाता है। इसे टोर्नेडो फैक्ट्रीज भी कहा जाता है क्योंकि कई बार मेसो साइक्लोन घूमती हुई वॉल क्लाउड्स का रूप ले लेते हैं और जमीन की तरफ उतरने लगते हैं, और अगर ये वॉल क्लाउड्स ग्राउंड को टच कर जाए तो ये टोर्नेडो कहलाते हैं। तो देखा आपने कि मेसो साइक्लोन ने टोर्नेडो से भी जुगलबंदी कर रखी है। चलिए इसी बात पर नेक्स्ट और लास्ट साइक्लोन टाइप के बारे में भी जान लेते हैं कि इसकी भी किसी से जुगलबंदी है या नहीं। और ये साइक्लोन का फोर्थ टाइप है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का मतलब ट्रॉपिक से आगे मिड और हाई लैटिट्यूड में डेवलप होने वाला साइक्लोन। ये साइक्लोन जनरली इक्वेटर से 30 से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड्स के बीच बनते हैं। इसे मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी कहा जाता है और टेम्परेचर साइक्लोन भी। ये साइक्लोन समुद्र के अलावा जमीन पर भी बन सकते हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन के कंपैरिजन में एक लार्जर एरिया कवर करते हैं। हालांकि साइक्लोन में विंड्स कंपैरेटिवली वीक होती है। ये साइक्लोन 15 से 20 दिन तक चलते हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन के अपोजिट इस साइक्लोन में विंड वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चलती है। यानी इस साइक्लोन टाइप की किसी से जुगलबंदी नहीं है, बल्कि ये तो कुछ हद तक ट्रॉपिकल साइक्लोन का अपोजिट है। और इसी के साथ ये हो गए 4 साइक्लोन टाइप्स। अब आगे देखते हैं कि साइक्लोन इंडियन सब कॉन्टिनेंट को किस हद तक अफेक्ट करता है। वैसे आप जानते हैं ना कि इस सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका कंट्रीज आती है। तो दोस्तों, इंडियन सब कॉन्टिनेंट साइक्लोन से अफेक्ट होने वाले दुनिया के सबसे वर्स्ट रीजन में आता है और यहाँ साइक्लोन का 100% रिस्क बना रहता है। इसकी कोस्ट लाइन वर्ल्ड के लगभग 10% ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का सामना करती है। यहाँ हर साल 5 से 6 ट्रॉपिकल साइक्लोन तो आ ही जाते हैं, जिनमें से 2 से 3 तो सीवियर साइक्लोन भी होते हैं, यानी बहुत ज्यादा तेज और खतरनाक। और अगर बात इंडिया की करें तो यहाँ भूकंप, बाढ़, सूखा और भूस्खलन का हाई रिस्क तो रहता ही है। साथ ही साइक्लोन भी यहाँ पर अपना पूरा जोर लगाता है। इंडिया में आने वाले साइक्लोन्स की संख्या हर साल के साथ तेजी से बढ़ती जा रही है और उसका एक मेजर रीजन है क्लाइमेट चेंज। साइक्लोन बनने के लिए सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो ये टेम्परेचर तो इंडिया में आसानी से मिल जाता है क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज की वजह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का टेम्परेचर 31 से 32 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, तो ये तो होना ही था। वैसे देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही साइक्लोन से जूझते हैं, लेकिन अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो बंगाल की खाड़ी में ज्यादा साइक्लोन आते हैं। इसका भी वही रीजन है कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर सूटेबल मिलता है, यानी साल भर लगभग 28 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जबकि अरब सागर में टेम्परेचर थोड़ा लो रहता है, इसलिए वहां पर कम साइक्लोन आते हैं। हालांकि अब अरब सागर वर्ल्ड के ओशंस में सबसे तेजी से गर्म होने वाला ओशन बेसिन बनता जा रहा है। और अगर आपने गौर किया हो तो साइक्लोन यूं तो इंडिया के पूरे तटीय भाग को अफेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी ये साइक्लोन्स कंट्री के सदर्न रीजन में ज्यादा आते हैं। अब ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये रीजन इंडियन ओशन के काफी नजदीक है, जहां पर साइक्लोन्स आना बहुत ही कॉमन बात है, तो अब इसका असर तो पड़ेगा ही।
वैसी तो ये अच्छी बात नहीं है, पर चलिए साइक्लोन की ट्रैकिंग, फोरकास्टिंग, प्रिडिक्शन और वार्निंग के जरिए काफी हद तक बचाव कर पाना पॉसिबल हो पाता है और ये अच्छी बात है। लेकिन ये सब करता कौन है? तो पहले के टाइम में तो वेदर कंडीशन, सी सरफेस की स्टेट और स्टॉर्म अफेक्टेड एरियाज से आने वाली रिपोर्ट्स के बेस पर साइक्लोन आइडेंटिफिकेशन हुआ करता था। लेकिन बाद में सैटेलाइट्स और एयरक्राफ्ट की मदद से साइक्लोन ट्रैकिंग और फोरकास्टिंग प्रोसेस में काफी सुधार हुआ। सैटेलाइट इमेजेस के जरिए साइक्लोन की लोकेशन और इंटेंसिटी की जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और स्टॉर्म की स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एयरक्राफ्ट के जरिए ली जाती है। इन इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर फोरकास्ट मॉडल्स के साथ यूज करके साइक्लोन का फ्यूचर पाथ और इंटेंसिटी प्रिडिक्ट की जाती है। जब फोरकास्टर्स को ये पता चलता है कि साइक्लोन आने वाला है और वो लैंडफॉल भी ला सकता है, तो वार्निंग्स इशू कर दी जाती है। सैटेलाइट्स और रडार्स की बदौलत साइक्लोन अलर्ट या साइक्लोन वॉच एक्सपेक्टेड साइक्लोन से 48 घंटे पहले ही इशू कर दिया जाता है और साइक्लोन वार्निंग 24 घंटे पहले इशू होती है ताकि अफेक्टेड एरियाज के लोग उन एरियाज से दूर हो जाएं और ज्यादा नुकसान होने से बचाया जा सके। ये काम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का होता है, जो अपने रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजी सेंटर्स यानी RSMC और ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स यानी TCWC के जरिए वार्निंग इशू करती है और साइक्लोन से होने वाले लॉस और डैमेज को मिनिमम करने में जुटी रहती है। इंडिया में यह साइक्लोन वार्निंग एजेंसी है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो नेशनल हरिकेन सेंटर यानी NHC नॉर्थ अमेरिका के साइक्लोन्स की फोरकास्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह अलग अलग रीजन्स के लिए डिफरेंट एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन अभी भी ये जानना बाकी है कि साइक्लोन को ऐसे अलग अलग नाम देता कौन है और क्या ये वाकई जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, साइक्लोन को नाम देना जरूरी है ताकि साइंटिफिक कम्युनिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिटी हर साइक्लोन को आसानी से पहचान सके और उसकी रिपोर्ट दे सके। इसके अलावा मीडिया के लिए भी साइक्लोन का नाम समझना और पब्लिक को उस पर्टिकुलर साइक्लोन के बारे में अवेयर करना आसान हो सके, इसके लिए साइक्लोन को नाम दिया जाना जरूरी होता है। पहले साइक्लोन का नाम मनमाने ढंग से रख दिया जाता था, जैसे साल का पहला तूफान ए अल्फाबेट से शुरू होता था और दूसरा बी से। फिर साइक्लोन को विमेन नेम दिए गए, उसके बाद मेन नेम दिए गए, लेकिन अब सिस्टमेटिक तरीके से साइक्लोन्स के नाम रखे जाते हैं। इसके लिए वर्ल्ड के किसी भी ओशन बेसिन में आने वाले साइक्लोन को RSMC और TCWC नाम देते हैं और इन RSMC में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी शामिल है। और हाँ, ये पूरा प्रोसेस WMO के अंडर वर्क करता है और साइक्लोन का नाम देने की एक गाइडलाइन भी है, जिसके अकॉर्डिंग साइक्लोन के लिए जो नाम प्रपोज किए जाते हैं वो पॉलिटिक्स, रिलीजियस बिलीफ्स, कल्चर और जेंडर से न्यूट्रल होना चाहिए, शॉर्ट और इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, रूड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और उसमें मैक्सिमम 8 लेटर्स हो सकते हैं। और हाँ, नॉर्थ इंडियन ओशन पर डेवलप होने वाले साइक्लोन के नाम को रिपीट नहीं किया जा सकता। इसका रीजन शायद यही है कि यहाँ पर बहुत बड़े साइक्लोन्स आते हैं जो बहुत सी डेथ और डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए ऐसे तूफान में जान गंवाने वालों की रिस्पेक्ट में इस ओशन बेसिन में आने वाले साइक्लोन्स के नेम्स को रिटायर कर दिया जाता है। और अगर साइक्लोन के एक्सपेक्टेड नेम्स का एग्जाम्पल देखें तो साल 2019 में आया वायु ट्रॉपिकल साइक्लोन गुजरात कोस्ट पर आने वाला साइक्लोन था। इसे इंडिया ने नाम दिया, जिसका मतलब होता है विंड। ये वर्ड शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस है, वर्ड लिमिट को फॉलो करता है और न्यूट्रल भी है। इसी तरह साल 2021 में आए तोकाते को म्यांमार ने नाम दिया, जिसे एक रेप्टाइल के नाम पर रखा गया और इसका मतलब है हाईली वोकल लिजर्ड। अच्छा, तो साइक्लोन का नाम भी काफी सोच समझ कर दिया जाता है। इंटरेस्टिंग है ना? ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग बात जानने का मन कर रहा है कि क्या ये साइक्लोन केवल अर्थ प्लैनेट पर ही आते हैं या फिर बाकी प्लैनेट्स भी इसकी गिरफ्त में हैं? तो ये जानकर आपको अफसोस हो सकता है कि अर्थ अकेला ऐसा प्लैनेट नहीं है जो साइक्लोन से जूझ रहा है, बल्कि जुपिटर पर मौजूद ग्रेट रेड स्पॉट और नेपच्यून पर मौजूद ग्रेट ब्लैक स्पॉट भी तो यही है। यानी जुपिटर, नेपच्यून और इसके अलावा मार्स भी, इन सब प्लैनेट्स पर साइक्लोन्स को ऑब्जर्व किया गया है। कहने का मतलब ये कि ये काफी बड़ी मुश्किल है जो दूर तक जाती है। इसका मतलब प्लैनेट कोई भी हो, साइक्लोन से बचाव की तरकीब तो आनी ही चाहिए। और फिलहाल अगर अर्थ पर रहते हुए साइक्लोन से बचने के तरीके जाने तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किसी भी नेचुरल डिजास्टर के टाइम पर अफवाह नहीं उड़ाए और मदद का हाथ आगे बढ़ाकर ही रखे, चाहे प्लैनेट कोई भी हो, अर्थ या मार्स, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम तो हर जगह इंसान ही रहेंगे ना, तो इंसानियत भी तो बनी रहनी चाहिए। और ऐसी कुछ बेसिक बातें ध्यान रखिए जो इस टफ सिचुएशन में नुकसान को काफी कम कर सके। तो इसके लिए साइक्लोन अलर्ट को सीरियसली लेना चाहिए
और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को ही ऑथेंटिक मानते हुए उसके अकॉर्डिंग सेफ प्लेस पर रहना चाहिए। इस जानकारी को शेयर जरूर करना चाहिए और पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे सिर्फ सिचुएशन बिगड़ती है। साइक्लोन सीजन से पहले घर की रिपेयरिंग करवा लेनी चाहिए और केरोसिन टिन, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, गार्डन टूल्स जैसे सामान खुले में नहीं छोड़ने चाहिए और घर के आसपास का एरिया भी क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि साइक्लोन की तेज हवाओं में ऐसे सामान तबाही में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। साइक्लोन वार्निंग मिलने पर साइक्लोन से अफेक्ट होने वाले एरियाज को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए, जैसे समुद्री किनारे और उसके आसपास की जगह, और जल्द से जल्द सेफ प्लेस पर पहुंच जाना चाहिए और साइक्लोन अलर्ट के बाद अगले 24 घंटे तक अलर्ट रहना चाहिए। वार्निंग और अलर्ट के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा फूड और वाटर अपने पास रखना चाहिए और एक इमरजेंसी किट तैयार कर लेनी चाहिए, जिसमें बैटरीज, फर्स्ट एड किट, मेडिसिन, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे आईडी, इमरजेंसी फूड और रस्सी वगैरह रखी हूं। तो दोस्तों, इस तरह आप साइक्लोन से बचाव कर सकते हैं। और इसी के साथ साइक्लोन की ये कहानी यहाँ पर आकर पूरी हुई, जिसमें ढेर सारा एडवेंचर था, थ्रिल भी था और नॉलेज तो थी ही। हमें उम्मीद है कि हम साइक्लोन से जुड़े आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे पाए होंगे और आपकी उम्मीद पर खरे भी उतरे होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साइक्लोन जैसे नेचुरल डिजास्टर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, इसके लिए इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक जिम्मेदारी का काम भी है। और आपको ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। हमारी टीम की मेहनत आपको कैसी लगी, जो भी आप कहना चाहते हैं प्लीज जरूर से लिख करके, दो शब्द, दो लाइन, जो भी है आप जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ा अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ करके और यू नो एक मोटिवेशन मिलता है ऐसे टॉपिक्स पर, ऐसी जानकारियों पर मेहनत करके आप तक पहुंचाने का। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्दी ही नई नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।